हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू ऑल कि मैं एक अकेडमी पे एजुकेटर हूँ दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड एम जी नीड फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल अनकेडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो सो so, सबसे पहले नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन क्या होता है सो so, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रिविलेंट एलिमेंट है इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये क्या क्या बनाता है ये हमारा माइनो एसिड बनाता है ये हमारा प्रोटीन बनाता है हार्मोन्स बनवाते हैं ये क्लोरोफिल बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत सारे विटामिन भी बनवाता है तो ये की न्यूट्रिएंट है सभी प्लांट्स में सो इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट भी है एटमोस्फेयर में बट जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एन को जो हमारी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है जो हमारी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ता है इस एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को किसी और फॉर्म में किसी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसको प्लांट कंज्यूम कर सके तो इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल एक बायोजियो केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रोजन है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम बहुत सारे फॉर्म्स में मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारा प्लांट है या फिर एटमोस्फेयर में जितने भी नाइट्रोजन है वो हमारा प्लांट ले सके सो so, अभी मैंने बताया कि जो हमारी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते दे कांट एब्जॉर्ब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को किसी और ऑर्गेनिक फॉर्म में या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ता है ताकि वो प्लांट्स के लिए एब्जॉर्बेबल हो जाए इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म तो इसके भी आगे फोर स्टेप्स है नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म के फर्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन एंड सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन थर्ड स्टेप विल बी अमोनिफिकेशन।

Industrial and to fixation. Second will be electrical, electrical and to fixation. And third would be biological. तो अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूं तो इंडस्ट्रियल में बेसिकली हमारे पास सारे फॉरेस्ट फायर्स हो गया फॉरेस्ट फायर्स हो गया और जो भी इंडस्ट्रियल कंबशन के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इसको वो क्या करते हैं हमारी जो एटमोस्फेरिक एन टू है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में जितना भी इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल है है फॉरेस्ट फायर वो क्या करते हैं हमारे एटमोस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास आ जाता है लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन ये दोनों मिलके क्या करते हैं ये भी मिलके एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में जैसे कि एन नाइट्रोजन ऑक्साइड एन टू ओ एसे इन सब में कन्वर्ट कर देते हैं लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन मिलके और इंडस्ट्रियल में फॉरेस्ट फायर इंडस्ट्रियल कम्बेशन ये सब मिलके क्या करते हैं हमारे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं बट अगर हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इज डन बाई माइक्रोब्स इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसका फिक्सेशन माइक्रोब्स करवाते हैं तो अगर मैं माइक्रोब्स की बात करूँ तो माइक्रोब्स कौन से होते हैं दे आर सम डायल्ड एज डाइजोट्रोफ्स सभी प्रो कैरियोट बैक्टीरिया नहीं करवाते फिक्सेशन कुछ ही प्रो कैरियोटिक बैक्टीरिया करवाते हैं और उनको हम बोलते हैं डाइजोट्रोफ्स और जो ये फिक्सेशन करवाते हैं उनके पास नाइट्रोजीनेज़ एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है दे शुड हैव हैव एक्टिविटी। दे शुड एंजाइम। ये मिलके क्या करवाते हैं जो हमारी एटमोस्फेरिक एंटू होती है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में दैट इज एन एच थ्री किसकी हेल्प से विद हेल्प ऑफ नाइट्रोजीनिस एंजाइम ये एंजाइम किसके पास है हमारा प्रो कैरियोट के पास है ये हमारा प्रो के पास है सम वो सारे प्रो कैलियोट्स के पास नहीं होता कुछ ही प्रो के पास होता है जिसको हम क्या बोलते हैं डाइजोट्रोफ्स तो फिक्सेशन से क्या बन गया हमारे पास जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन थी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई अमोनिया में कन्वर्ट हो गई दिस टाइप इज नोन फिक्सेशन तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एंटू फिक्सर्स की कौन कौन से टाइप्स हैं एंटू फिक्सर्स के जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं जो प्रो की मैंने बात की है सम प्रो तो उसमें हमारे पास दो टाइप के आते हैं कुछ होते हैं हमारे पास फ्री लिविंग जो कि सोइल में रहते हैं फ्री लिविंग स्टेट में और कुछ होते हैं हमारे पास सिम्बायोटिक्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं सिम्बायोटिक बायोटिक एसोसिएटर्स जो कि किसी के साथ रहेंगे अगर उनको फिक्सेशन करवाना है तो अगर मैं फ्री लिविंग में भी बात करूं तो फ्री लिविंग में भी हमारे पास फर्दर एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट इज इसमें आ जाएगा एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की जिनको नीड पड़ती है इसमें हमारे पास दो आ जाएंगे एजो एंड एजो स्पाइडिलियम अगर मैं एनारोबिक की बात करूं इसमें तो इनके इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती दे नीड ऑक्सीजन इसमें हमारे पास आ जाएंगे रोडो स्पाइडिलियम रोडो सुडोमोनास एंड बेसिलस। और अगर मैं अपने सिम्बायोटिक बायोटिक एसोसिएटर्स की बात करूं तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप के हैं फर्स्ट इज द राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है विद लेग्यूमिनस प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि हमारे हो गए पीज मटर हो गई बीन्स हो गए अल्फा अल्फा हो गया इन सब के साथ रहते हैं एंड सेकंड एसोसिएशन इज फ्रेंकियम जो कि रहता है सिंबायोटिक एसोसिएशन विद नॉन लेगमेनस प्लांट नॉन लेगमेनस प्लांट के साथ रहता है इसमें एग्जाम्पल हो गया हमारे पास एलनस एलनस इज अ नॉन लेगमेनस प्लांट तो इस पूरी स्लाइड में हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सर्स प्रोकैरियोट्स ही होते हैं सारे प्रोकैरियोट्स नहीं होते वही होते हैं जिनके पास

रहता है लेगुमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन में जैसे पीज बीन एंड अल्फा, अल्फा, फ्रेंकिया रहता है विद तो प्लांट जैसे कि तो हम देख सकते हैं इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है एक इनिशियल स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो क्या करती है एटमॉस्फेयर में इनर्ट फॉर्म में होती है एंड टू फॉर्म में होती है तो इसको हमें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है मतलब जो प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाए, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ammonia, NH3. तो ये पूरी प्रोसेस एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया करवा सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं डाइजोट्रोफस बोल सकते हैं इनके पास नाइट्रोजीनियस एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है दे शुड एक्टिविटी इसमें क्या आ गया एजिटोबैक्टर एंड एटमोसफेरिक गैसेस एंड टू को कन्वर्ट कर देता है एमोनियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर एमोनियम में कन्वर्ट कर देता है इस फिगर में देख सकते हैं हम एटमोसफेयर में इनर्ट फॉर्म में नाइट्रोजन थी एटमोस्फेयर में इसमें जो बैक्टीरिया था सोयल में रूट में जैसे कि हम एग्जाम्पल ले ले राइजोबियम राइजोबियम ले सकते हैं एजिटोबैक्टर ले सकते हैं रेडोस्पाइडिलियम ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं वो क्या करते हैं इसको अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूजेबल फॉर्म है एब्जोबेबल फॉर्म है सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन इसमें क्या होता है हमारा कन्वर्जन होता है एमोनिया का इंटू नाइट्राइट एंड एंड नाइट्रेट ये भी दो स्टेप प्रोसेस है इसमें हमारा जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या होगा अगर मैं पहले की बात करूं तो अगर मैं अमोनिया लेती हूं यहाँ पे मान लो यहाँ पे टू एनएस थ्री था तो वो किससे मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और किसको कन्वर्ट कर देगा किसमें कन्वर्ट कर देगा एनओ टू नेगेटिव में दिस इज नाइट्राइट नाइट्राइट में इसको कन्वर्ट कर दिया इट इज डन बाय नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रो कोकस अब क्या होगा जो हमारा एनओ टू है जो हमारा ये एनओ टू है नाइट्राइट है वो अब दोबारा से ऑक्सीजन से मिलेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इट इज डन बाय नाइट्रो बेक्टर इट इज डन बाय नाइट्रोबैक्टर तो हमने देखा इसमें नाइट्रिफिकेशन में जो जो हमारे हमारे पास पास बना 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 था 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 किससे फिक्सेशन फिक्सेशन से से स्टेप उसका कन्वर्जन होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में सबसे पहले अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोनाज एंड नाइट्रोकोकस और उसके बाद जो नाइट्राइट है वो ऑक्सीजन लेके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज एनओ थ्री माइनस टू दिस इज डन बाई नाइट्रोबैक्टर इट इज अ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर से कन्वर्ट होगा दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया इन सबके पास क्या है इन सबके पास नाइट्रोजीनियज एक्टिविटी है दे ऑल हैव नाइट्रोजीनियस एक्टिविटी तो हम देख सकते हैं नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है जो अमोनिया है वो दोबारा से क्या करता है एटमोस्फेयर में एंटर हो जाता है बाय कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया इसको कौन करवाता है नाइट्राइट में कन्वर्ट करवाता है हमारा नाइट्रोसोमोनास और बाद में यही नाइट्राइट हमारे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टेर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज जो अमोनिया होता है इस स्टेप में जो अमोनिया बना था फिक्सेशन के टाइम पे ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए इट इज वेरी टॉक्सिक इसीलिए इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है दिस इज वेरी नेसेसरी स्टेप इन्हीं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं कीमो ओटोट्रोफ्स बोलते हैं तो ये देख सकते हैं हम इसमें अमोनिया ऑक्सीजन को लेके किसमें कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में दिस इज नाइट्राइट और बाद में यही नाइट्राइट दोबारा से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में तो ये स्टेप हमारा करवाया नाइट्रोसोमोनाज में और ये वाला स्टेप हमारा करवाया नाइट्रोबैक्टर में तो हमारे दो स्टेप हो गए हैं थर्ड स्टेप इज एमोनिफिकेशन इसमें क्या होता है ये छोटा सा स्टेप है इसमें जो अमोनिया होता है रिलीज ऑफ अमोनिया इनटू सोइल सोइल में अमोनिया रिलीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे डेड एंड डिकेंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो क्या करते हैं हमारे अमोनिया को रिलीज करवा देते हैं सोइल में यही होता है अमोनिफिकेशन में लास्ट स्टेप इज डी लास्ट स्टेप इज डी अब जितना भी हमने साइकिल अभी तक की है स्टार्टिंग फ्रॉम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिर हमने उसको में कन्वर्ट किया फिर नाइट्राइट नाइट्रेट अब सभी स्टेप वापस जाएंगे इसमें क्या होगा जो हमारे पास नाइट्रेट बना था लास्ट में हमारे पास नाइट्रेट बना था वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू नाइट्राइट और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में और फाइनली ये वापिस से कन्वर्ट हो जाएगा एटमोस्फेरिक इंटू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन तो नाइट्राइट का हमें पता फॉर्मिलानो टू माइनस नाइट्राइट का फॉर्मला एनओ टू और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो ये फाइनली एटमोस्फेरिक एन टू में कन्वर्ट हो जाएगा इसको करवाने वाले बैक्टीरिया है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या बोलेंगे हम इनको डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलेंगे क्योंकि ये क्या करवा रहे हैं डी नाइट्रिफिकेशन करवा रहे हैं तो इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं फर्स्ट इज सुडोमोनास

अमोनिया कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में और ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट में ये तीनों स्टेप्स हैं हमारे नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन के के ये तीनों स्टेप्स हमारे इट वाज डन बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया उसके बाद क्या हुआ नाइट्रेट वापस से कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फाइनली इंटू ऑक्सीजन ये हमारे स्टेप है डी नाइट्रिफिकेशन के डी नाइट्रिफिकेशन के इट इज डन बाय डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि हमारे पास सूडोमोनास हो गया क्लोस्टीडियम हो गया एंड था तो देख सकते हैं दिस इज द डायग्राम फ्रॉम एनसीआरटी इसमें से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन था दिस वाज़ नॉन एब्जोर्बेबल फॉर्म प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बाय प्लांट तो सबसे पहले इसमें बायोलॉजिकल फिक्सेशन हुआ जो कि माइक्रोब्स ने करवाया डन बाय माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल भी हो सकता है बाय कंबशन एंड फॉरेस्ट फायरस और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशन उन्होंने क्या करा इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में एंड फर्दर नाइट्रेट ये तीनों स्टेप ये तीनों प्रोसेस है हमारे लिट वाज डन बाय डी इट वाज डन बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियास इसको नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया करवा दो बाद में क्या होगा यही अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा रिलीज हो जाएगा सोइल में विद द हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ एमोनिफिकेशन जो भी प्लांट बायोमास है डिकिंग बायोमास है वो एमोनिफिकेशन करवा के इस अमोनिया को रिलीज करवा देंगे सोइल में एंड लास्ट स्टेप वुड बी डी जिसमें जो हमारा नाइट्रेट बना था वो वापस से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि थायोबैसिलस स एंड सूडोमोनास सो आई हो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू वेरी मच